स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो को साझा करने के लिए। आज का जो नया वीडियो है वह धनुष भंग शीर्षक का भाग दो है। भाग एक हम इससे पहले साझा कर चुके हैं आपसे। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और पहला कमेंट में हम इसके लिंक को पिन कर देंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे पार्ट वन पर पहुंच सकते हैं और उसे भी आप देखकर उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करें, जिससे कि आपके द्वारा हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आइए इस शीर्षक को प्रारंभ करते हैं। धनुष यज्ञ की मांगलिक अवसर पर जब धनुष तोड़ने में सभी राजा असफल हो गए और अंत में श्री रामचंद्र मंच पर पहुंचते हैं तो सीता जी उनकी सफलता के लिए सभी देवी देवताओं से विनती करती हैं। श्री रामचंद्र सीता जी को देखकर उनकी व्याकुलता को जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ही चितै पुनि चितौ मही राजत लोचन लोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, खेलत मनसीज मीन जुग जनो विधु मंडल डोल, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी प्रकट लाज निशा अवलोकी। सीता जी वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जलु रह लोचन कोना जय से परम कृपन कर सोना। उनके नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई। धरी धीरजु प्रतीति उर आने और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि तन मन वचन मोर पनुसाचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। कि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है तो सब तो भगवान उस सकल उर्वासी करही मोहि रघुबर कैदासी। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य सने हूँ, क्योंकि जिस पर जिसका सच्चा प्रेम होता है सोते ही मिलई न कछु संदेह हो, वह उसे मिलता ही है इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा यह ठान लिया अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान राम सब जाना। कृपा निधान श्री राम सब जान गए। सियही बिलो की तकेऊ धनु कैसे, उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर वैसे ही ताका। चितौ गरुर लघु ब्याल ही जैसे, जैसे गरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। आगे की पंक्तियाँ जो कि इस प्रकार है। लखन लखेऊ रघुवंश मनि ताके ऊ हर को डंडु, पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडु। दिसी कुंज रहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। राम चहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आय सुमोरा। चाप समीप रामु जब आए, नर नारिन सुर स्वीकृत मनाए। सबकर संसऊ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरि करब गरुआई, सुर मुनिबरण केरी कदराई।
सियकल सोचु जनक पछितावा, रान कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोही तुपाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। कड़हारू अर्थात केवट। धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर श्री रामचंद्र द्वारा धनुष भंग के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों के मन चित्त का प्रस्तुत पंक्तियों में वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, लखन लखेऊ रघुवंश मनि ताकेऊ हर कोदंडु। कोदंडु अर्थात धनुष। कि इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की धनुष की ओर ताका है, पुलकी गात बोले बचन चरण चापे ब्रह्मांडु, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले, दिशि कुंज रहु कमठ अहिकोला, धरहू धरनी धरी धीर न डोला। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो। धरहु धरनी धरी धीर न डोला, जिसमें यह हिलने न पावे। राम चहही शंकर धनु तोड़ा, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। होहू सजग सुनि आय सुमोरा, आयुषु अर्थात आज्ञा, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामू जब आए, श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सब कर संसव अरु अज्ञानों, सबका संदेह और अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमानो, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनिवन केरी कदराई, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता भय। सियकर सोचु जनक पछतावा, सीता जी की सोच जनक का पश्चाताप। रानी कर दारुण दुख दावा, और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोही तो पाई, ये सब शिव जी के धनुष रूपे बड़े जहाज को पाकर, चढ़े जाई सब संगु बनाई, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कठारू। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्री रामचंद्र के धनुष की तरफ ताकते देखकर लक्ष्मण का वचन आज्ञाकारी भाई की भावनाओं का अनूठा वर्णन है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में वीर रस, रूपक अलंकार, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे की पंक्तियाँ जो कि इस प्रकार हैं, राम बिलोक के लोक सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेषी। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुलके लखि प्रीति विशेषी। गुरही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा। दम के ऊ दामिनी जिमी जब लयऊ, पुनि नब धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उथाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर जब श्री रामचंद्र जी ने सबको अस्तब्ध सीता जी की व्याकुलता का अनुभव किया, तो बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। तब तुलसीदास जी निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कहते हैं कि राम बिलोक के लोग सब, श्री राम जी ने जब सब लोगों की ओर देखा, चित्र लिखे से देखी, और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर, चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेषी।
फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वैदेही, वैदेही अर्थात सीता जी अर्थात जानकी, उन्होंने जानकी जी को बहुत ही व्याकुल देखा। निमिष अर्थात उनका एक एक क्षण बिहात कल्प समते ही कल्प के समान बीत रहा था। तिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, मुए करई का सुधा तड़ागा, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने, सारी खेती की सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पश्चाताप करने से क्या लाभ। अस जी जानी जान की देखी, जी में ऐसा समझकर से राम जी ने जानकी जी की ओर देखा। प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी, प्रीति अर्थात प्रेम, और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरही प्रणाम मन ही मन की नहा, मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। दमकी उदामिनी जिमी जब लयऊ, जब उसे हाथ में लिया, तब वह धनुष बिजली की तरह चमका। पुनि नब धनु मंडल संभयऊ, और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए, काहू न लखा देख सब थाड़े, थाड़े अर्थात खड़े, लखा अर्थात देखा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से श्री रामचंद्र जी ने किया कि वहाँ पर खड़े लोग देख नहीं पाए। तीनों कार्य अर्थात धनुष को उठाना, उसका प्रत्यंचा चढ़ाना और कब खींचना, यह किसी को वहाँ पर खड़े लोगों को भी पता न चला। तेही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। आगे की पंक्तियाँ, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मार गु चले, चिकरही दिग्गज डोल मही, अही कोल कुरुम अलमले, सूर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सकल बिकल बिचारही, को दंड खंडेउ राम तुलसी, जयती बचन उचारही। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारगू चले। तुलसीदास जी कहते हैं घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। रवि अर्थात सूर्य, बाजी तजी मारगू चले, सूर्य की घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। चिकरही दिग्गज डोल मही, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, डोल मही अही कोल कुरुम कलमले, धरती डोलने लगी, शेष वारा और कछप कलमला उठे। सूर असुर मुनि कर देवता राक्षस और मुनि कर कान दिन्हे, सकल विकल बिचारही, कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर बिचारने लगे। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयती बचन उचारही। तुलसीदास जी आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि जब सबको यह निश्चित हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम पुनः अगले शीर्षक की संपूर्ण व्याख्या से आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद महादेव।